कमीशन और वुमेन पावर मीडिया की जानब से मुनक्कद करदा इस राउंड टेबल मीटिंग में तमाम सियासी कायदीन, समाजी कायदीन, मजहबी रहनुमाओं को हमारी तरफ से आदाब और खुशामदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज कल स्क्रीनिंग का इवेंट जो है वो वुमेन पावर मीडिया और ह्यूमन फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही है। तो वुमेन पावर मीडिया की जानब से हमारे पास पेशावर से एक गेस्ट मौजूद है। मैं उनको दावा दूंगी कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं और आज के हमारे प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करें। मैं दावत दूंगी मिस वैमा फरोज को। आप सब लोगों की तारीफ बोलते आप सबको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम वैमा फरोज है और मैं एम्पावर वुमेन मीडिया की तरफ से आई हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी उर्दू आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, समझ तो आपको आएगी पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे मेरी उर्दू को। यहाँ पे हमारे साथ मुख्तलिफ मजाहब के लोग हैं, तो हम सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड पेशावर की तरफ से सलीम शहीद। ये सारे हमारे खुशामदीद के अल्फाज हैं मुख्तलिफ मजाहब में और सलीम शहीद पश्तों में। एम्पावर वुमेन मीडिया की मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये इदारा कब बना या क्या कर रहा है। ये अमेरिका में है ये इदारा और इसको एक खातून चलाती है जो कि ईरान से है। ईरान से वो गई है अमेरिका में और मुस्लिम ममालिक में वो काम कर रही है। शीरीन नाम है उनका। वो ज़्यादातर वुमेन या जो औरतें हैं उनको एम्पावर करती हैं, उनको मीडिया स्किल्स देती है। तो लास्ट ईयर उन्होंने पाकिस्तान में 30 खवातीन के साथ काम किया जिनको ट्रेंड या फिर मेकिंग में या शॉर्ट वीडियो से हम किस तरह लोगों के जहन को बदल सकते हैं। फिर ये उनका एक आप कहने के टूल है लोगों के जहन को तब्दील करने का, पर उनका जो मेन मकसद है वो है मजहबी आज़ादी। उनके लिहाज से जहाँ पे मजहबी आज़ादी होगी, मुख्तलिफ मजाहब के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो वहाँ पे अमन होगा, वहाँ पे खुशहाली होगी, वहाँ पे लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे और वुमेन को भी आज़ादी होगी कि वो तालीम हासिल कर सके, मुख्तलिफ जॉब्स कर सके। लास्ट ईयर में 2 सालों से इनके साथ काम कर रही हूँ और मैं ही उनकी भी एक फेलो थी। इनका एक ई कोर्स है डे व्हाट यू बिलीव, वो मजहबी आज़ादी पे है। उसमें ये है कि अगर आप अपने अकीदे पे यकीन रखते हैं तो आपको दूसरे के अकीदे को भी छेड़ना नहीं चाहिए। आप अपने अकीदे को फॉलो करें, पर अगर आपके एरिया में या आपके मुल्क में ऐसे लोग भी हैं, शायद उनकी तादाद 10 हो या 1 हो या बहुत ही कम हो, पर आपको उनके अकीदे से भी इज्जत करनी चाहिए। तो उनका ये जो कोर्स है इस पर हम मुख्तलिफ वो कोर्स करवाए डे व्हाट यू बिलीव के नाम से। दूसरा इनका है फिल्म कॉम्पिटिशन का, जिसमें खवातीन हिस्सा लेती है और मजहबी आज़ादी के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे शॉर्ट फिल्म बनाती है। जिसमें मिस अनीता ने इस साल एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी इनकी भी, और फिर उनके इनाम होते हैं, 3 इनाम होते हैं। पिछले साल मैंने उसमें जीता था, वो अभी हम आपको स्क्रीनिंग करवाएंगे उसकी और आप देखेंगे कि किस तरह की वीडियोस हैं, और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो आप भी वीडियोस बना सकते हैं, वो शॉर्ट फिल्म्स में हिस्सा भी ले सकते हैं। सालाना उनका जून में वो फिल्म कॉम्पिटिशन होता है। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम आपको उन पाकिस्तानी खवातीन के वो फिल्म दिखाए जिन्होंने वो 4 मिनट की वीडियोस बनाई है मजहबी आज़ादी के अहमियत पर, और हम आपको दिखाए कि खवातीन ने किस तरह अमन में अपना किरदार अदा कर सकती है। मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा बता दूँ, मैं अपनी तारीफें तो नहीं करती, पर मैं खुद इस टॉपिक पे काम कर रही हूँ और काफ़ी मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है। अभी इस साल मुझे एक अवार्ड मिला स्टेफानीज प्राइज, वो भी इसी शॉर्ट फिल्म पे।
इसको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि यहाँ पे जितने लोग बैठे थे वो थोड़ा मोटिवेट हो सके कि काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, आपने थोड़ा सा स्टेप लेना होता है। शॉर्ट वीडियोस बना के जिस तरह हम यहाँ पे इकट्ठे हैं इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो आप लोग भी इस तरह के छोटे छोटे काम करके अपने मुआशरे को पुरअमन बना सकते हैं और उसमें आप नाम भी कमा सकते हैं। तो आज हम आपको 5 फिल्में दिखाएंगे, बनाई तो बहुत ज्यादा है, 30 फिल्म्स है, पर हम इतना टाइम नहीं लेंगे। हम आपको 5 जो फिल्में हैं वो इदारे की तरफ से जो एक वीडियो है आपको वेलकम करने के लिए, वो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है, शीरीन और उनका कुछ ग्रुप है, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है आपको वेलकम करने के लिए। हम चाहेंगे कि वो भी आप देख लें, सबसे पहले हम वो दिखाएंगे और उनकी तरफ से आपके लिए ग्रीटिंग्स है, एक वेलकम है। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, आपको जो पाकिस्तानी विमेन है उनकी फिल्म दिखाएंगे। कुछ हमारे उलमा साहब आए हैं, मुख्तलिफ मजाहब के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर आपसे बात करेंगे, आपको अमन के बारे में बताएंगे, मजहबी रवादारी के बारे में बताएंगे। तो इन सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो लीडर्स होते हैं, जो कम्युनिटी में काम करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, उनको हम ला कर बात करें, क्योंकि हम आपस में अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अमन या मजहबी आजादी या रवादारी जो है वो हमारे माशरे में कभी मुमकिन हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ मुख्तलिफ मजहब के लोग बैठे हैं, फादर है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है हमारे साथ, तो ये बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आखिर में आप लोग बगैर किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लीडर है या उनको ज्यादा आता है, पर उनके एक्सपीरियंसिस ज्यादा है, वो आपको आपके साथ अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। आपके जहन में जो भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं और कोशिश करें कि आप नए लोगों के साथ यहाँ पे बैठे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर लोग ग्रुप्स में आ जाते हैं, वही टेबल्स पे बैठ जाते हैं और आपस में ही बातें करते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। अभी मैं भी आऊंगी, कभी एक टेबल पे बैठूंगी, कभी दूसरे पे, ताकि मैं ज्यादा से लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ नाम बैठे, क्योंकि आपको मौका मिलेगा और भी दिनों में आप उनसे मिलते रहते हैं। तो आप नए लोगों के साथ बैठे, इसी से रवादारी और मजहबी आजादी और अमन को हम प्रमोट कर सकते हैं। Interacting with people different from us can lead us to want to protect our community by some unsettled time. Nationalism, sectarianism, and violence. We don't hold like a child in the world. We have to find ways to create a different dream, to use the system to ask for a brain equation. Because that is what freedom of belief is all about. Or adopt the belief of their choice, and to practice their belief peacefully as they choose, without coercion or discrimination. आप सब लोगों की तालियों में दावत खिताब होंगे मिस्टर साजिद क्रिस्टोफर साहब। मैं आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मौजूद मेहमान, हमारे मजहबी रहनुमा जिनमें उलमा-ए-किराम है, फादर साहब है, पास्टर साहबान है, उनके साथ साथ हमारे सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, उसाम, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अदारों के लोग, सहाफ़ी और वकला हजरात, मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदी कहता हूँ। और खसूसी तौर पर हमारे पास आज एक मेहमान मिस वागमा फेरोज, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, वो खसूसी तौर पर यहाँ पर वीमेन जो एम्पावरमेंट मीडिया है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। हमने आज का जो टॉपिक है मजहबी आज़ादी के हवाले से, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से और ख़वातीन के रोल के हवाले से आज का ये टॉपिक जो है वो मुंतखब किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो मुख्तलिफ फिल्म्स आपने देखी हैं इनमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी
कि मजहबी आज़ादी हर शख्स के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब मसलक से ताल्लुक रखता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हर शख्स और हमारा माशरा मुआशी तौर पर और समाजी तौर पर मुस्तहकम हो सके और माशरा जो है सस्टेनेबल हो सके और माशरे में अमन और इंसाफ कायम हो सके। आज जब हम खसूसी तौर पर बात करते हैं मजहबी आज़ादी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की जो असास है, हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1948 को जब पाकिस्तान की बुनियाद जब वो बताते हैं और वो आइन साज असेंबली से, दस्तूर साज असेंबली से खताब करते हैं, तो कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरी, चाहे वो किसी मजहब किसी मसलक किसी फिरके से ताल्लुक रखते हो, हर शख्स को बराबरी के हकूक हासिल है, हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपने मस्जिद में, अपने गिरजाघर में, अपने मंदिर में, अपने गुरुद्वारे में और किसी भी अपने इबादत खाने में जाए और अपने अपने मजहब की पैरवी कर सके। रियासत का किसी के मजहब से किसी के अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं, हर शख्स इसमें आज़ाद होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बानी पाकिस्तान की वफात के बाद बहुत सारे ऐसे अनासर, ऐसी तंजीमें, ऐसी पार्टियां और ऐसे साम्राज्य, उन्होंने पाकिस्तान के जो अमन का, पाकिस्तान में जो बराबरी का एक हमारा माहौल था, हमारा जो माशरे की खूबसूरती थी, उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया, बिल्कुल फना कर दिया। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी अकलियतें हैं उनके खिलाफ एक ख़ास माइंड सेट है। मैं जो माइंड सेट की बात करता हूँ, एक बहुत छोटा एक ग्रुप है, तबका है, जो पाकिस्तान में अमन व इंसाफ को, बराबरी को समपास करना चाहता है। हम देखते हैं कि हमारी जो अकलियतों की बच्चियाँ हैं, मसीहियों की बच्चियाँ हैं, हिंदुओं की बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, आजकल बहुत एक्टिवली जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, वो जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी जो जबरी तौर पर उनकी शादियां कर दी जाती हैं, उनको अगवा किया जाता है, ज़बरदस्ती शादियां करते हैं, ज़बरदस्ती उनका मजहब तब्दील कर लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मजहबी आज़ादी के जो इस हवाले से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर 10 साल की मसीही बच्ची, जैसे शकाइना जॉनसन है, आरजू राजा है, मायरा शहबाज है, शाहीन है, बहुत सारी मैं लड़कियाँ मसीही बच्चियों के नाम गिनवाना शुरू करूँ तो लिस्ट ख़त्म नहीं होती। छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी उम्र भी अभी बुलोगत को नहीं पहुँचती, उन बेटियों को अगवा कर लिया जाता है और जब वो केस अदालतों में लेके जाते हैं तो उनके झूठे जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उनकी पैदाइश के जो सर्टिफिकेट है, झूठे लेके आ जाते हैं कि ये 18 साल या इससे ज्यादा उम्र की है। हमने वो केसेस भी देखे हैं कि उन तारीखों में अभी उस बच्ची के माँ बाप की शादी भी नहीं हुई होती, लेकिन उनकी जो पैदाइश के सर्टिफिकेट है वो 18 साल या इससे बड़ी उम्र के लेके आ जाते हैं। मैंने जब आरजू राजा का केस हुआ, मायरा शहबाज का केस हुआ, मैं आज बड़े फख्र के साथ ये उलमा इकराम हमारे साथ बैठे हैं, मैं इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। हम चाहे प्रेस क्लब में जाके एहतजाज कर रहे थे अपनी मसीही बेटियों के तहफ़ के लिए, चाहे हम अपने योहानाबाद में प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं, चाहे पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं इन उलमा इकराम को खराज अकीदत पेश करता हूँ। ये हमारे साथ खड़े हुए, हमसे भी आगे खड़े हुए, इन्होंने कहा कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये एक माइंड सेट है जो सारे पाकिस्तान का जो एक माहौल खराब करना चाहते हैं, बल्कि इस्लाम का भी जो तासर है वो गलत फैलाना चाहते हैं। मेरे साथ आरजू राजा के केस में ये उलमा इकराम खड़े थे, हमने जब आवाज़ उठाई, हमने एहतजाज किए, ये हमारे साथ। तो हमारा
ये मैं इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि जब ऐसे उलमा इकराम पाकिस्तान में होंगे, जब ऐसे मजहबी रहनुमा जो हमारे साथ इन ज्यादतियों के नाइंसाफियों के ये साथ खड़े होंगे, तो हम लोगों को अवेयरनेस जब देते हैं तो लोगों को हमारे इश्यूज का, हमारे चैलेंजेस का पता चलता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब मजहबी रहनुमा हमारे साथ होंगे तो जब हम कानून साजिंग की तरफ जाते हैं तो इनकी सपोर्ट पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों के लिए, मसीहियों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, हमारी बेटियों के तहफ्फुज़ के लिए ये हमारे साथ खड़े हैं, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा वो हमारे साथ खड़ा है। अभी जो केसेस सामने आते हैं उनके लिए हम कानून साजी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका, इस बीमारी को, इस बुराई को हम जड़ से उखाड़ फेंके। हम अपनी बेटियों के तहफ्फुज़ के लिए कानून साजी करना चाहते हैं ताकि जब कानून बने तो किसी की भी बेटी जबरी शादी का शिकार ना हो, किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी जबरी मजहब की तब्दीली का शिकार ना हो। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम मसीही और दीगर तरीके भी, हम, हमारी तालीमात ऐसी हैं कि हम हर मजहब का एहतराम करते हैं, हम तमाम मजाहब के अंबिया कराम का एहतराम करते हैं। मैं पूरे ईमान और पूरे वसूख से कहता हूँ कोई भी मसीही तो इन्हें मजहब का मुर्तकिब होने का कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन वही माइंड सेट जिसकी मैं बात करता हूँ, बहुत सारे मसीहियों पर तो इन्हें मजहब के झूठे मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं और 10-10 साल, 12-12 साल, 13-13 साल वो लोग जेलों में अपनी जिंदगियां जाया करते हैं। उनके पीछे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, उनकी बीवियां, सिर्फ उस बंदे की जिंदगी तबाह नहीं हुई बल्कि वो तो जेल में बैठ उसकी जिंदगी तबाह हो रही है। पीछे सारा खानदान अपना घर बार छोड़ के, अपनी मुलाजमतें, अपने स्कूल, अपने कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के तो दूसरे शहरों में, दूसरे जिला में अपनी हफाजत के लिए मुंतकिल होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि तोहीने मजहब का जो कानून का गलत इस्तेमाल है, उस गलत इस्तेमाल को रोकने की जरूरत है ताकि वो लोग जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको रोका जाए, ताकि जो मुल्क में बसने वाले मजहबी अकलियतें हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, वो लोग इस कानून के गलत इस्तेमाल की भेंट ना चढ़ सकें। इस गलत इस्तेमाल से सिर्फ हम मजहबी अकलियतें नहीं बल्कि बहुत सारे जो मुसलमान हमारे भाई और बहनें हैं वो भी इसका शिकार होते हैं। हम हर वो शख्स जो नाइंसाफी का शिकार है, चाहे हमारी जो बेटियां, हमारी जो बहनें हैं वो जबरी मजहब की तब्दीली या जबरी शादी की, हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनको वकील देते हैं, उनके केस लड़ते हैं। जो मसीही, वो लोग जो गलत, जिनके गलत इल्जाम लगा के सिर्फ उनको झूठे मजहबी केसों में फंसाया जाता है, हम उनके भी साथ हैं, उनके लिए भी आवाज उठाते हैं, उनको भी इंसाफ दिलाने के लिए काम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे माशरे में जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो हमारे जो सरकारी महकमे हैं उनमें पाया जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे सरकारी महकमों के मुलाजमतों के जब इश्तेहार आते हैं तो उसमें खास तौर पे जब सफाई के महकमे की बात आती है तो लिखा होता है कि इस मुलाजमत के लिए सिर्फ मसीही या गैर मुस्लिम इस जॉब के लिए अप्लाई करें। हर काम की अजमत है, कोई काम बुरा नहीं है, लेकिन इस तरह की तफरीक ना करें कि भाई लोग समझे कि जो मजहबी अकलियतों के लोग हैं वो दूसरे या तीसरे दर्जे के शहरी हैं। बल्कि अगर सफाई के भी असामी का, नौकरी का इश्तेहार है तो सबके लिए ओपन चल रहे थे, कोई भी जो अप्लाई कर सकता है। हमारे लिए सिर्फ सफाई की जॉब का ही क्यों बताया जाता है कि सफाई सिर्फ हम कर सकते हैं। उसके साथ हमारी जो किताबें हैं स्कूलों में, निसाबी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों में कुछ मवाद दीगर मजहब के हवाले से जो गलत था हटाया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी किताबें हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं जिनमें दीगर मजहब के हवाले से एहतराम नहीं बल्कि नफरत का सबक दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, चाहे वो मुस्लिम बच्चे हों, चाहे वो क्रिश्चियन बच्चे हों, चाहे हिंदू बच्चे, चाहे सिख बच्चे,
जब वो किताबें पढ़े, स्कूलों में तालीम हासिल करे, तो वो इंसानियत सीखे, वो हर मजहब का एहतराम सीखे। वो ये ना सीखे कि बस हमारा मजहब मजहब है, दूसरे मजहब हमारे दुश्मन है। हम चाहते हैं कि वो सीखे कि पाकिस्तान में कैसे हम सब ने मिल के रहना है। ये पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में सबको बराबरी के हकूक हासिल है। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा, तभी खुशहाल होगा जब हम एक दूसरे को जीने का मौका देंगे, जब हम उस असूल पे चलेंगे, ना अपना मजहब छोड़ो ना दूसरे के मजहब को छेड़ो। क्योंकि हम सबको ये तालीम देने की जरूरत है कि सब एक दूसरे के मजहब का एहतराम करें। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर अपने अंदर से खौफ निकाल दें। मैं भी रात को असलम रहमत साहब के घर बैठे हुए थे, मैंने मीटिंग में कहा है कि खौफ अपने अंदर से ख़त्म कर दें। मर वो लोग भी गए जिन्होंने किसी के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो बीमारी से मर गए हैं, चाहे वो उम्र मुकम्मल होने पर। मरना सब नहीं है, लेकिन ये ना सोचें कि आप किसी के हक के लिए उठेंगे, किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप मर जाएंगे। कुछ करके बंदा चला जाए तो खुशी हो, फख्र हो और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। मरना सबने है, मरने से डरना, हमेशा हक के लिए उठें और हक के लिए आवाज़ उठाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सादिक क्रिस्टोफर साहब। बात मजहबी आज़ादी की हो, माइनॉरिटी राइट्स की हो, वुमेन राइट्स की हो, ह्यूमन राइट्स की हो, आपकी नुमाया खिदमत सबके सामने हैं और ये खिदमत आप देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना आसिम मखदूम साहब, आप कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन हैं। मैं दावत खिताब दूंगी मौलाना आसिम मखदूम साहब को। सबसे पहले तो अपने भाई साजिद क्रिस्टोफर साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने एम्पावर वोमन मीडिया के साथ मिलकर उनके इश्तराक और उनके दाम से एक बहुत ही खूबसूरत मजलिस सजाई है। यकीनन खूबसूरत लोग जो हैं वो खूबसूरत मजलिसें सजाते हैं, खूबसूरत सोच रखने वाले लोग जो हैं वो खूबसूरत मजलिसें सजाते हैं, और खूबसूरत लोग ही फिर तालियां बजाते हैं और खुशी का उसके ऊपर इजहार करते हैं। सरकार में आपने ताली नहीं बजाई, आप में से बड़े खूबसूरत नहीं लग रहा है या आपको अपनी खूबसूरती पर यकीन नहीं है। थैंक यू। मैं मोहतरमा शीरी साहिबा, जिनका हमने मैसेज सुना और उनकी सोच को हम खूबसूरत सोच समझते हैं, और पेशावर से आई हुई मेहमान वर्मा फिरोज साहिबा, उनके इस काविश को और इस काम को कदर की निगाह से देखता हूं कि उन्होंने ख्वातीन को वो हौसला देने के लिए एक मुनज्जम तहरीक का जो फैसला किया है ये बहुत खुशाइंद है। तमाम मज़ाहिर ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर उनके रहनुमाओं तक ये बात पहुंचती है तो अपनी इज्जत और नामूस या दीगर कुछ वजूहात की बुनियाद पर वो अमली मैदान में नजर नहीं आते। हालांकि कुरान मजीद की तरफ हम अगर देखें तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां जो एक कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंचती हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो बाद में हजरत शुएब के दामाद बनते हैं उनमें से एक बेटी के साथ निकाह होता है तो उनका जिक्र है कि उन ख्वातीन ने अपने जमाने में वो काम किए हैं जो आज हमारी ख्वातीन के लिए मायूब समझे जाते हैं। इसलिए ख्वातीन को हौसला देना चाहिए, वो ख्वातीन हर मजहब के हर फर्द के घर के अंदर मौजूद हैं, माँ की शक्ल में है, बहन और बेटी की शक्ल में है, बीवी की शक्ल के अंदर है। तो इसलिए ये पीस सेंटर जो
जिसकी रौनकें मोहतरम फादर जेम जनन के साथ है, हमेशा अमन वालों के लिए ये खुला रहा है। मैंने खुद यहाँ पर 2-3 प्रोग्राम किए हैं, मैंने फादर जी को फोन किया। वैसे तो मैं सैकड़ों यहाँ पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, सैकड़ों मरतबा के लिए या कभी किसी मुसलमान के लिए बंद हुआ हो, ये सबके लिए खुला रहता है। तो ये आज इनकी सरपरस्ती में ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी साहब, जो मुझे चूंकि इसमें आ रही है कि मैं ये कहूँ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन इखलाकियात अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह की दात। आपको अगर कोई पश्तो जुबान नहीं आती, अभी उन्होंने पश्तो में मैं वेलकम कहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने मुझे वेलकम कहा है, मैं इतना जानता हूँ। इसलिए कि कुछ जुबानें ना जानते हुए चेहरे पढ़ लिए जाते हैं कि ये चेहरा क्या कहना चाहता है। मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी साहब वो फरमाते थे कि अपना मसलक अपना मजहब छोड़ो मत, अपना मजहब और अपना मसलक छोड़ो मत, और किसी का मजहब और किसी का मसलक छेड़ो मत, किसी को छेड़ना नहीं है और अपने को छोड़ना नहीं है। अगर इसके ऊपर अहंकार भंग हो जाए तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब ये कुर्रा अर्जी अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी ये जमीन बनाई है उसके ऊपर जो है वो अमन कायम हो जाए। हम जितने लोग हैं, जितने जोगे हैं, हमने अमन का आवाज़ बुलंद करना है, हमने अमन की आवाज़ लगाते रहना है। अमन कायम हो या ना हो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हर दौर में जैसे मैंने अभी हजरत सलमान का जिक्र किया कि मलका सबा, उस जमाने में बादशाह थी हजरत सलमान के दौर में, एक जीते हजरत सलमान ने खत लिखा कुरान मजीद में, इसका वाकया मौजूद है तौरात में, मलका बिल्कीस के नाम से ये वाकया लिखा गया है, हजरत सलमान और मलका बिल्कीस का वाकया। कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में औरत को हुक्मरानी की, इसके अलावा कितनी औरतें आई हैं उन्होंने हुक्मरानी की है, ये सब फैसले जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की दात के हैं, हमें इन फैसलों को तस्लीम करना है। हमारे बहुत सारे मजहबी लोग हैं, मैं तंकीदी निगाह से नहीं कह रहा कि ये स्पीकर है इसको शैतानी चरखा कहा गया है इसको, और इसके ऊपर नमाज को मकरूह कहा गया है कि ये आवाज चेंज कर देता है, इसलिए ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये रेडियो को, ये कैसेट को, ये जो कैसेट लगती थी, सीडी लगती थी, इन सब को जो है वो शैतानी चरखा और शैतानी नाला कहा गया है। लेकिन बाद में इन लोगों ने उसे तस्लीम किया है कि नहीं, हम गलत थे और हम उस अपने मौकों से रुजू करते हैं। तो आज भी जिन लोगों ने औरतों के हुकूक को सलब किया, ये कोई हवाई खलाई मखलूक नहीं, तो ये इंसान है जिन्होंने हुकूक सलब किए, लेकिन वो जिन करीब आ रहे हैं कि वो तस्लीम करने पर मजबूर हो रहे हैं कि हमने ये फैसले जो है वो गलत किए थे। मैं आखिर में इतनी बात जरूर कहूँगा कि हमारे जो अकलियतें यहाँ पर पाकिस्तान में हैं उनका दुख जो है वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस वजह से ये कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की जब बात करते हैं कि वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में सब बराबर की हैसियत रखते हैं, लेकिन जब हम हुकूक की बात करते हैं मेंबर पर तो आसिफ मखदूम और डॉक्टर बदर मुनीर और अलामा डॉक्टर कारी खालिद महमूद साहब की बात करें कि तमाम अकलियतों के हुकूक बराबर है, लेकिन अमली तौर पर जब हम मैदान के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हुकूक बराबर नहीं। तो फिर हमें अपने बानी पाकिस्तान की आवाज को सच्चा करने के लिए अपनी अकलियतों के साथ खड़े होना होगा। हम कुछ कर नहीं सकते मोहतरम फादर जेम जनन साहब, हम आपको यही आकर सुना सकते हैं कि बानी पाकिस्तान ने कहा था कि आप हमारे बराबर हैं, हमारी हुकूमतों ने आपको बराबर के हुकूक देने हैं, मेरे पास पावर नहीं है कि मैं ये कानून पास करूं कि सफाई करने वाले सिर्फ अकलियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले ना हों, हर पाकिस्तानी हो। मैंने तजवीज देखी थी, मैंने तजवीज दी थी जी जनरल साहब, आप उस तजवीज से आज अगर इत्तेफाक करें तो मुझे हौसला होगा।
अगर नहीं वो तजवीज सही नहीं है तो आप उसमें जरूर तरकीब करें। नवाब ऑफ कालाबाग, नवाब ऑफ कालाबाग लंदन के अंदर जब ये बरतानिया मुतहदा बरतानिया होता था और हम भी उसका हिस्सा थे, वो कहीं गाड़ी खरीदने के लिए किसी कंपनी के ऑफिस में गए तो उन्होंने उसकी शक्ल और सूरत देखकर उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया, उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया था नवाब ऑफ कालाबाग को। नवाब ऑफ कालाबाग को अपने ऑफिस से निकाल दिया उस गाड़ी की जो कंपनी थी जहां से वो गाड़ी खरीदने के लिए गए थे, उनकी हैयत देखकर, उनकी शक्ल देखकर, एक पेड़ को देखकर, चले वो कालाबाग का छोटा भाई या बड़ा भाई होगा। तो जब उनको निकाल दिया गया तो उन्होंने चार गाड़ियां मंगवाई उसी कंपनी की और उन चार गाड़ियों के आगे झाड़ू लगा दिया और वो सादाबाद में या बहावलपुर में या मुल्तान की रियासत के अंदर जनूबी पंजाब में वो गाड़ियां जो सबसे कीमती गाड़ी है वो सफाई कर रही है, वो सफाई कर रही है, वो ये जो हमारी कंपनी LWMC वो LWMC की गाड़ियां बन रही है। तो फिर क्या होता है कि वो माफी मांगने के लिए नवाब सत्ताबाद के पास पहुंचते हैं कि हमसे गलती हो गई थी कि हमने ये काम किया। आज हमारे वजीर ये माफी के साथ कि ये बगैर किसी वोट के असेंबली में पहुंच जाते हैं जो अपनी ही नुमाइंदे होते हैं, लेकिन वो तब्दील हो जाते हैं वहां पर जाकर। यहां पर सियासी लोग भी बैठे हुए हैं। अगर हम सर कि हम एक दिन साल में ऐसा रखें कि हमारे हाथों में झाड़ू हो और हम सब मिलकर जाकर जोहानाबाद की जाकर सफाई करें, करना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि इमाम अगर मैं मुसलमान हूं कर दो इमाम अलिया का फरमाने मुबारक है अब तुहूर शत्रु निमान ये सफाई दिस विवाद है। मुसलमानों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो अपने घर का झाड़ू खुद दिया करते थे, वो अपने कपड़े खुद धोते थे, वो सालन बनाने के लिए लकड़ी खुद इकट्ठी करते थे, वो आग खुद जलाते थे। कितने अंबिया और रसूल हैं जिनकी तारीफ यहां पर बयान की जा सकती है कि वो सफाई करते थे। यहां करीब रायवंड है जिनके अमीर हाजी अब्दुल वहाब है, वो पूरा दिन इबादत करते हैं, ध्यान करते हैं, सारी रात वो वॉशरूम साफ करते हैं। ये तारीख है, आज की तारीख बता रहा हूं रायवंड में। तो इसलिए हमें इस तरफ भी शुक्रिया खवातीन और आगे राउंड टेबल मतलब गोल टेबल होता है लगा इंटरफेस, तो दोनों मौजूदात पर मैं गुफ्तगू की है थोड़ी थोड़ी। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए कि हम आपके इस काम के साथ मुकम्मल हम हैं, हमें बहुत खुशी हुई है कि ये काम आपने शुरू किया है, हम अल्लाह के फजल से आपके साथ खड़े होंगे और हमारी हर किस्म की मोहब्बत आपके साथ होगी। मैं कुछ सब गुफ्तगू कर गया हूँ या जुमला कह गया हूँ उसके ऊपर बात रखता हूँ। मैं एक मरतबा फिर ह्यूमन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का मशहूर हूँ कि उन्होंने हमेशा खूबसूरत पैरा तकरीबा सजाई है, खूबसूरत महाफिल सजाई है और खूबसूरत लोगों को यहाँ पर बुलाया है, बहुत शुक्रिया। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छुनेगा, रखते हैं जो हौसला आसमान को छुनेगा, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। आप सब लोगों की तालियों में दावत खास दूंगी रेवरेंड फादर जेम्स टेनन को। मैं आप सबको आज के प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसका इनकाज क्रिस्टोफर ने किया है और आपका यहाँ आना
जैसे हम अपने जो है जिंदगी से है, रिलीजियस लीडर्स हैं, पोलिटिकल लीडर्स हैं, मीडिया के साथ अलग रखने वाले हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, यूथ के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, तो ये थोड़ा नेशनल जो है ना रिप्रेजेंटेटिव वक्त पे वो हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही रेलेवेंट है, जैसे मजबूरी आज़ादी की बात हो रही है, इंटरफेस की बात हो रही है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात हो रही है, इक्वल राइट्स की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए सारे जो बातें हैं, ये सारे जो मौजूद हैं, हमें दावत देते हैं कि हम इन सब के लिए अपना रीति रोज है वो अदा करें। हम सब इंसान हैं और इंसानों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, क्रिश्चियन ही नहीं है, हिंदू ही नहीं है, यहूदी ही नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के लोग जो है वो इंसान है, ऐसे ही है ना। आपको शायद हैरानी भी होगी कि ये जो आबादी है दुनिया की 7 अरब उसमें से 1 अरब और 14 करोड़ वो लोग हैं किसी वजह को नहीं मानते, वो इंसानियत को मानते हैं लेकिन उनका भी हमारा कोई मदद नहीं। और ये फिर आपकी तरफ नहीं दे रहा, ये गूगल पे आप जाए और वो देखेंगे वो रिलीजियस की वहां पे आप देखें उसमें है कि सबसे ज्यादा दुनिया में क्रिश्चियंस हैं 33%, उसके बाद जो है वो मुस्लिम्स हैं 24%, उसके बाद जो है वो हिंदू हैं जो 14% है, और उसके बाद सबसे ज्यादा तादाद में वो लोग हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंसानियत के नाते से हम सब भाई हैं और सब बहने हैं, और हमने वो बात करनी है, वो काम करना है जिसमें तमाम इंसान की भलाई हो। ये नहीं कि हमें सिर्फ क्रिश्चियन के लिए काम करना है, सारे लोग। अब दौर ऐसा है कि हमें ग्लोबल विलेज में रहते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। और ये जो नफरतें हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो पर्सिक्यूशन है, इनको खत्म करना होगा। इससे दुनिया जो है वो तरक्की करेगी, हर एक को मजबूती आजादी हो और हर शख्स जो है वो दूसरे को अपना भाई समझे, अपनी बहन समझे, अकीदा अपना अपना माइंड सेट में ये तो आ जाए तो दुनिया के बहुत सारे मसले वो खत्म हो सकते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आज के प्रोग्राम से बेहद खुश हूँ और मैं इसके भी खुश हूँ कि इसमें हमारे दरमियान दूसरे शहरों से भी मौजूद मेहमान आए हुए। मैं खास तौर करना चाहूँगा अगर मेरे अदायगी गलत हो तो मैं इसकी माफी चाहता हूँ। जैसे वर्तमान फिरोज से हैं जो पिशावर से तशरीफ लाए हैं, इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से ये जो वीडियो जो है वो पेश किए हैं, उसके साथ अनीता अनायत हैं। तो आज के जो दिन है इसमें हम पे वाजिब होना चाहिए कि मर्दों के साथ साथ खवातीन भी बहुत अजीम खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, और हमें खवातीन में जो खुदा का सलाहियत है उनको उनकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि आपने शहर में जाना, ये नहीं कि आपने स्कूल में जाना, ये नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना, ये आपने बैंक में काम नहीं करना, ये आपने हॉस्पिटल में काम नहीं करा, तो हम उनके जहनों को महदूद कर देते हैं। हमें उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, खुदा ने उनको इतनी नेक दी है तो इस दुनिया में दुनिया को मुफीद खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। इसके लिए बहुत सारी तंजीमें हैं पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है, ह्यूमन राइट्स पर काम करने की जरूरत है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पर काम करने की जरूरत है, ये जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पर काम करने की जरूरत है। अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, ऐसे चार्टर्स हैं, जैसे चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशंस का, और उसमें खवातीन का हकूक का भी जिक्र है, उसमें बच्चों के हकूक का भी जिक्र है, उसमें अकलियतों के हकूक का भी जिक्र, उसमें आज़ादी का जिक्र, उसमें दयानंद का जिक्र है।
शारीरिक तो हम कर देते हैं, मुल्क कर देते हैं, लेकिन उन पर अमल जो है वो उतना नहीं करते जितना उनसे करना चाहिए। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि मस्जिद आदमी हर एक का हक है और मस्जिद आदमी के साथ साथ हमें दूसरों को साथ मिला भी करने की जरूरत है। जब आप सब इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे मसीह है, मुस्लिम हैं, पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले हैं, पूरी दुनिया में, तो हम पूरी दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस खूबसूरत गुफ्तगु को सुनने के बाद हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर बदर मुनीर साहब। मैं उनको दावत खास दूंगी कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत ख्याल सलाम अलैकुम, गुड आफ्टरनून, संगे जोड़े खुशहाल है, आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं। तो आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब हमारे ह्यूमन फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब साजिद क्रिस्टोफर साहब को, जिनके वसीले से ये आज का प्रोग्राम इनका पसीर हुआ और खसूसी तौर पर इस सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव फादर जीम चंदन ओपी, जिन्होंने फराह दिली का मुजारा करते हुए ये हाल और सारी फैसिलिटीज हमें एक मरतबा फिर प्राप्त। और आज के इस प्रोग्राम में इन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन एक हमारी पाकिस्तान की यंग खातून जिनका तल्लक भी केपीके से है और वहाँ पर जो है आपको पता ही है कि साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर है केपीके के साथ, और वहाँ की जो सूरत हाल है, मजहबी जो शिद्दत वहाँ पर पाई जाती है, वो हमारे इन शहरों इस्लामाबाद या लाहौर कराची में उस तरह का माहौल नहीं होता। तो मिस रेगमा फरोज जो कि 19 साल की उम्र में एक तंजीम बनाती हैं ख्वातीन के हकूक के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फिर 2014 में इन्होंने साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से डिग्री हासिल की। तो इसके अलावा इन्होंने 2 अवार्ड जो है वो हासिल किए हैं, जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में भी बताया था, और फातिह जी ने जैसे शर्मैन उबैर की बात की, उनके लफ्ज में उनके जो नाम है उसमें तो वैसे भी शर्म आ ही जाती है उनको, अल्लाह करे कि फातिह जी खिताब के बाद वो इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए कि किसी का इस्तेहसाल हो। पर बात हो रही थी बैगमा फरोज की, इन्होंने जो मैंने बैठे बैठे अभी भारत के इंट्रोडक्शन आज ही हुआ इनके साथ, तो पहले से जो हमें कोई इस बारे में सलाह नहीं थी, तो शाशा जो मैंने फटाफट जो है वो खुफिया सुलानी के जरिए से इनके बारे में कुछ मालूम हासिल की। तो अभी तक इनकी शादी भी नहीं हुई, ऐसी है बैगमा जी, इनकी अभी शादी भी नहीं हुई, इनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी हम ढूंढते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये भी इसका एक जो है वो माशरे में जब हम रहते हैं तो इसकी ज़रूरत होगी। और इन्होंने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है जिसका शायद इन्होंने तस्करा नहीं किया। हमारे यहाँ इस मुल्क में बहुत ही मोहतरम खातून गुजरी हैं, मोहतरमा आसमा जहांगीर सर, जो अवार्ड उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से लिया, उसके बाद सेकंड जो किसी खातून ने पाकिस्तान से अवार्ड लिया है वो मिस बैगमा फरोज ने ली। और इसके अलावा भी जो इनकी इन्होंने जो बनाई मूवी, शॉर्ट मूवी जिसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं, शी मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल, ये उसका टाइटल था, तो इस पर भी इन्होंने अवार्ड हासिल किया। तो इसके लिए भी इनके लिए जरा क्लैप करो। तो एक इसके अलावा एक और इन्होंने काम किया कि इस्लामाबाद में जब से पाकिस्तान बने, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन्होंने इस बैगमा फरोज ने शॉर्ट फिल्म जो है फेस्टिवल वहाँ इनका पसीर किया इस्लामाबाद में, जिसमें ख्वातीन की एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया और ख्वातीन को इन्वाइट किया जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। तो ये भी क्रेडिट इनके हिस्से में आता है। तो ये बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि हमारी जो ख्वातीन हैं पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं, खा वो उसका कोई आप जरिया तालीम रख लेते हैं, आप इजहार राय रख लेते हैं, जर्नलिज्म रख लेते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो ये जो है ये हमारे जो पाकिस्तान है
उसकी तरक्की में आप देखेंगे 50% तकरीबन खवातीन जो है वो आबादी है उनकी, तो उसमें अगर ये हमारी बच्चियां बेटियां बहनें हमारी बेटियों की तरह, तो ये इन्होंने अपना एक किरदार अदा किया है, तो इसके लिए जो है हमारा जो जितने भी मजहब है, खास वो क्रिश्चन है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, और यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है, तो किसी कोई भी मजहब जो है मजहबी तौर पे ख्वातीन की तरक्की की राह में कोई भी रुकावट हायल नहीं है। आप देखेंगे जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने नबूवत फरमाते हैं, उस वक्त मुआशरे की हालत ये थी कि ख्वातीन को बच्चियों को खास तौर पे जिंदा दरबो कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, और फिर वक्त आगे बढ़ा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दद शादियां की और ख्वातीन को एहतराम दिया। अक्सर जो उनकी अजवाज थी वो या तो कोई बेवा थी खातून जो थी, या जो है जिनकी इसी तरह सूरत आ गई, एक खातून थी जिनकी जो है वो गैर शादी शुदा थी, हजरत बीबी आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा। जो सबसे पहली शादी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, शायद ये बात यहाँ बैठे हुए कई लोगों को नहीं पता होगी कि उनकी उससे पहले दो शादियां थी, कि दोनों शोहर, एक शोहर फौत हुआ उससे दो बच्चे हुए, दूसरा फौत हुआ उससे दो, चार बच्चों की वालदा थी, 40 साल उम्र थी और हजूर सल की उम्र 25 साल थी। ये देखेंगे उन्होंने वुमन राइट्स उस वक्त जो है उसके हवाले से आप देखें कि काम शुरू किया है इब्तदा से प्रैक्टिकल अपने आप से, तो उसके बाद जो है वो बहुत सारी मिसालें हैं। आज तक हमारी पाकिस्तान की जो फौज है आप देख लें, पाकिस्तान की फौज में हमारी खवातीन भी मौजूद हैं हर जगह हर तबके में, तो आइनी तौर पे भी और इस्लामी तौर पे भी मजहबी तौर पे भी किसी भी मजहब से हमारा तलक है खवातीन को आगे आ सके। इनका जो काम है, ये जो काम कर रही हैं और उसके ऊपर जो जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस हमने कराया, मिस शीरिंग से जो भी ईरान से सेटल हो चुकी हैं वहाँ पर अमेरिका, तो इनका सबका जैसे कि बार बार आपसे खवातीन से खास तौर पर पूछ रही थी कि आपको कोई समझ आई है इस बात की, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने जिनका हस्बैंड जो था वो काम नहीं करता था, उसको मारता पीटता था, तो वो लोगों के घरों में काम करती थी, उन्होंने काफी दफा उसको मारने की कोशिश की क्योंकि काफी बच्चे थे, उनको खाना लाइक नहीं मिलता था, तो वो लोगों के घरों में काम करती थी और जब मजबूर हो जाती थी तो वो कोशिश करती थी कि अपनी जिंदगी खत्म कर दे। जब मैंने उनसे बात की, इंटरव्यू किया, उनके शॉर्ट फिल्म बनाई, वो भी काफ़ी लोगों ने देखा और फिर लोगों ने मुझे खुद कहा कि हम इनके बच्चों को आगे इनकी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, तो उस औरत को भी मैंने एक ऐसे इदारे के साथ कनेक्ट किया जिनका अभी तक उनके बच्चों का खर्चा वो पाल रहे और स्कूल में स्कूल का जो खर्चा है और मंथली उन उस औरत को पैसे आ रहे हैं अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों को डेली उनका जो होता है और स्कूल के फीस के लिए। तो हमारा ये होता है कि हम अगर किसी को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर मेरा खुद लाइफ नहीं है कि मैं जिन लोगों के साथ काम करूँ, मैं अपनी तरफ से इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं हर किसी की मदद कर सकूं, पर मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उनको दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, उनकी आवाज़ को आगे ला सकती हूँ, तो ये मेरा काम होता है और मैं इसी तरह करती हूँ। अब हम आगे जाएंगे, एक और हमारी वीडियो है अनीला अली की, जो कि पाकिस्तानी है पर वो भी अमेरिका में है और शायद आप में से ज्यादा लोगों को जानते भी हों क्योंकि उनका ताल्लुक भी पॉलिटिक्स से है, पर अभी वो अमेरिका में रहती है, वो भी मजहबी आजादी पे काम कर रही है। मैं चाहूंगी कि आप लोग ये अहद ले कि आप सब क्या ये अहद करते हैं कि आज से आप किसी के अकीदे को छेड़ेंगे नहीं और उनके लिए अपने दिल में मौजूद नफरतों को मिटाएंगे। तेज आवाज होकर के हाँ, और उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। क्या आप ये भी अहद करेंगे कि आज से आप मजहबी आजादी में अपना किरदार अदा करेंगे किसी भी तरीके से? शुक्रिया। तो हम कुछ सर्टिफिकेट देना चाहेंगे एप्रिसिएशन के लिए, तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी साजिद क्रिस्टोफर साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रेजेंट करें इनको।